लेकिन सही पढ़ा रहा हूँ मैं ना, अगर ऐसे ही ऑनलाइन में स्लो ही पढ़ाया जा सकता है, फास्ट नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, जो फास्ट पढ़ा रहा हो आप उससे पढ़ लो। सो हम लोग H2S की बात करते हैं, सल्फाइड की बात करते हैं, यहाँ पे -2 स्टेट में है, तो हम लोग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, एड ए रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, है ना। ठीक है, इस तरीके से तो अपने को पता है ये -2 स्टेट में है, तो H2S क्या करेगा, H2S जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जैसे FeCl3 से रिएक्ट करेगा तो FeCl3 को कहाँ भेजेगा, FeCl2 में भेज देगा, है ना। कहाँ भेज सकता है, FeCl2 में भेज सकता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद कहाँ चला जाएगा, खुद चला जाएगा सल्फर में, है ना। इसकी रिएक्शन अगर आप करा देते हो, जैसे 1% H2O2 से कराते हो, 1% H2O2 इसे ऑक्सीडाइज कर देगा H2O में, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में और खुद चला जाएगा H2O में। ये -1 में है तो खुद रिड्यूस हो गया -2 में, ये -2 में था ये कहाँ चला गया, 0 में। ये सब रिएक्शन पी ब्लॉक में मिलेंगी, है ना, यहाँ से भी पूछी जा सकती है, पी ब्लॉक से भी पूछी जा सकती है। 10% H2O2 लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो ये खुद तो H2O में जाएगा, और इसको जो भेजता है वो कहाँ भेज देगा, H2SO4 में भेज देता है, +6 में भेज देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ओजोन लेते हैं, ओजोन इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 से भी ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इसको कहाँ भेजता है, +6 ऑक्सीजन नंबर तक भेजता है, यहाँ तक ऑक्सीडाइज करा देगा। ठीक है, ओजोन के बाद अगर आपने लिया क्लोरीन वाटर, है ना, Cl2H2O, दैट कॉल्ड क्लोरीन वाटर, इसमें हम आप HOCl भी लिखते हैं, तो क्लोरीन वाटर भी इसको कहाँ तक भेजता है, खुद तो जाएगा HCl में और इसको भेजेगा सल्फर लिक्विड तक, है ना, ऐसे भेजेगा। और अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, CaOCl2 लेते हैं, CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर अगर होगा तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर में ही बनाएगा CaCl2 प्लस सल्फर लिक्विड प्लस H2O, ये हो जाएगा, है ना। और अगर आपने यहाँ पे यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया रूम टेम्परेचर पर, तो ये बनाएगा SO2 और सल्फर। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर इसका इसका जो रिएक्शन है, H2S का जो रिएक्शन है, H2S का, उसमें अगर आपने यूज करते हैं H2SO4, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, और यहाँ पे हीट कर देते हैं तो ये पहुंच जाता है 2SO2 पे। H2S का रिएक्शन अगर हम SO2 से कराते हैं तो ये पहुंच जाता है सल्फर पर और H2O में, इस तरीके से, है ना। तो ये रिएक्शन है, इसकी पी ब्लॉक की रिएक्शन है ना, ये पी ब्लॉक की रिएक्शन है, आप इनको कर लो। ठीक है, पी ब्लॉक की जो रिएक्शन है इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, इस तरीके से पी ब्लॉक की जो रिएक्शन है इनको आप कंप्लीट कर लो, है ना, ये रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर पाओगे इसमें, है ना। सर प्लीज रेजो रिपीट, 90% कोड, 90% कोड जो था वो क्या था, वो ये था RESO DS, सर 90, ये 90% कोड है, दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको।
ये होगा, ये नोट कर लो ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको है ना ओजोन ओजोन रिड्यूस होकर O2 में जाएगा है ना, ठीक है। हाँ आपको ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी तो पड़ेगी आपको ये रिएक्शन, तभी काम चलेगा। तभी कुछ लॉजिकल थिंकिंग है, थोड़ा बहुत लॉजिक्स आते हैं, जैसे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई 1% था तो कंसंट्रेशन कम थी, तब क्या किया, तब अपना सल्फर दो कहाँ -2 से कहाँ तक पहुंचा, 0 तक ही ऑक्सीडाइज हुआ। लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या हुआ, जब बढ़ गई तो क्या हुआ, जो -2 से कहाँ तक पहुंच गया, +6 तक पहुंच गया। ऐसे करके थोड़ा लॉजिकल आ सकते हैं, ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो -2 से कहाँ तक पहुंचा दिया, +6 तक पहुंचा दिया। ये कुछ आपको इस तरीके से ये बन सकता है ना, ठीक है। ओजोन इज मोर पावरफुल ऑक्सीजन देन पोटेशियम, यस इट इज ओके। ओजोन इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन KMnO4, ये होता है, SRP वैल्यू से आप देख सकते हैं इसको। ये कोड वेबसाइट पे जो है ना एप्लीकेबल होगा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। 100% वाले खत्म हो गए कोड, अब आपको ये यूज करना है। 90 वाले यूज कर लो, वरना 90 वाले भी खत्म हो जाएंगे, फिर 80 वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग लिखोगे, अब आपका है ये जो रेडिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रेडिकल उसमें नहीं है, आपकी सीट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने को पढ़ना है ना, अपने को पढ़ना होता है, क्योंकि बाकी जगह पढ़ाया जाएगा, बाकी जगह क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये नोट हो गया होगा सबका, मैं हटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट लिखो आप इसमें, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो है हमारा S2O3 2 नेगेटिव, दैट कॉल्ड थायो सल्फेट आयन है ना, ये थायोसल्फेट आयन कहलाता है, ठीक है। तो थायोसल्फेट आयन जो होगा वो क्या रहता है, थायोसल्फेट आयन कैसे वर्क करेगा है ना, इसमें आप लिखो इसके लिए कि अल्कली मेटल था, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्बिलिटी की, सॉल्बिलिटी की, तो इसमें लिख लो आप अल्कली मेटल थायोसल्फेट इज सॉल्युबल इन नेचर, अल्कली मेटल थायोसल्फेट्स आर सॉल्युबल इन नेचर, आर सॉल्युबल इन नेचर है ना, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहते हैं। इसके बाद एक तो पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट जो है ना वो क्या होगा, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि PbS2O3 Ag2S2O3 एंड BaS2O3 आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, आर स्पेरिंगली सॉल्युबल है ना, ये थोड़े से स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। और आगे लिखना कि मोस्ट ऑफ द थायोसल्फेट्स PPTs are soluble in excess of thiosulfate है ना, ज्यादातर excess में dissolve हो जाते हैं, और excess में dissolve होने का जो कारण है वही forming the complex है ना, complex बना के क्या हो जाते हैं, soluble हो जाते हैं ना, most of the thiosulfate जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बना के क्या हो जाते हैं, वो सॉल्युबल हो जाते हैं है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो है ना रीजन है, और यहाँ पर वही लगेगा, ज्यादातर अल्कली मेटल वाले जो है ना वो सॉल्युबल है,
और बाकी वाले जो है ना वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, है ना। इस तरीके से इस सिचुएशन जो है ना वो रहती है इसमें, है ना। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और इसका रिएक्शन करते हैं कैसे होगा उस पर काम करते हैं। तो अगर हम इसको थायोसल्फेट का जो फॉर्मेशन है उसको देखें तो फॉर्मेशन से थोड़ा सा हमें क्लू मिलता है। पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अलग तरीके का बात है, यहाँ से नहीं है। पहले हम लोग फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कैसे कराया जाता है, है ना, इंडस्ट्री में कैसे कराते हैं, मतलब कैसे कमर्शियल बेस बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। बेसिकली होता क्या है कि जो Na2SO3 होता है ना उसको सल्फर के साथ जो है ना सल्फर के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है Na2S2O3 बनता है। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट, है ना। और इसका जो सोल्यूशन होता है ना Na2S2O3.2H2O करके लिखा जाता है। इसका जो सोल्यूशन होगा है ना, ठीक है, एक ठीक है इस तरीके से रहेगा। और Na2S2O3 जो होगा वो क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट बनता है और सोडियम थायोसल्फेट में क्या होगा, ये बनेगा, ऐसे बनता है। तो ये मेन कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन पे ध्यान दो, है ना, इस कॉम्बिनेशन पे ध्यान दो, बाकी ये चीजों पे ध्यान मत दो, है ना, इस तरीके से रहेगा। नोट करो आप लोग इसको, हो गया, नोट हो गया सबका, नोट हो गया, एक बार बता दो मुझे, सबने नोट कर लिया? यस, नोट करो। नोट कर लो। वीडियो आज ही मिल जाएगी आपको, है ना, वीडियो आज ही मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर है, मैंने पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, वेबसाइट पे। हाँ, सॉलिड स्टेट में फ्यूज किया जाएगा, सल्फर जो होगा सॉलिड स्टेट में इसके साथ फ्यूज किया जाता है और उसी से ये बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें इसका ये फॉर्मेशन, अगर हमें ये फॉर्मेशन वाली बात समझ में आती है, ये वाली बात अगर हमें समझ में आती है ना, तो हम लोग आगे कर सकते हैं काम, कैसे कर सकते हैं। अभी आप देखो, अगर मेरे लेक्चर का सीक्वेंस आप देखोगे तो लेक्चर के सीक्वेंस में मैंने क्या किया है, लेक्चर का सीक्वेंस जो लिया था उस सीक्वेंस में मैंने क्या किया, उसमें मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, मैंने आपको पहले पढ़ाया SO3 2-, फिर क्या पढ़ाया, फिर पढ़ाया S2 2-, पहले मैंने आपको पढ़ाया सल्फाइट आयन इसके बारे में, फिर पढ़ाया मैंने सल्फाइड आयन पढ़ाया। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इन दोनों को मिला के ये बना सकता हूं क्या, कैन यू फील इट, जस्ट एक बात है, आप ये बैलेंस मत करना 2-, 2-, 4- हो रहा है, मैं कोई बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ट्रिकी चीजें बता रहा हूं कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा थायोसल्फेट आयन, समझे, ये थायोसल्फेट आयन हो जाएगा। अब इस थायोसल्फेट का, अगर आप इस थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से बनता है, ये इसका स्ट्रक्चर है थायोसल्फेट आयन का। थायोसल्फेट आयन के दोनों सल्फर एटम है, सेंट्रल वाला
और जो टर्मिनल वाला सल्फर एटम है इसका आप मुझे वो बता सकते हो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर थायोसल्फेट आयन में जो टर्मिनल वाला सल्फर एटम है और जो सेंट्रल वाला सल्फर एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो क्या? है ना, एक ये सल्फर एटम है, ये वाला सल्फर एटम ये बीच में है, सेंटर में है, और ये टर्मिनल में है, इन दोनों की आप ऑक्सीजन नंबर बता सकते हो क्या? 6 और 2 4 और 2 6 और -2 4 और 0. सो द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे ये +6 स्टेट में है और ये -2 स्टेट में है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, ये +6 में है, ये +6 में है, ओके, और ये -2 में है, यही इसका करेक्ट है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इसी से अपनी केमिस्ट्री जो है ना आगे चलने वाले टेस्ट जो है ना रेडिकल जो है ना जो मेन प्रेसिपिटेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही वाला रिस्पॉन्सिबल है, -2 वाला सल्फर, ठीक है। इसे कैसे निकाला, इसको आप लोग अगर जिनके पास रिडॉक्स का लेक्चर है मेरा तो वो रिडॉक्स का लेक्चर देख सकते हैं, अभी तो नहीं बता सकता हूँ, इट विल टेक वन लेक्चर, कैसे इंडिविजुअल ऑक्सीजन नंबर बताते हैं वो अपने आप में एक से दो लेक्चर लग जाते हैं, तो अभी तो नहीं बता पाऊंगा, अभी तो आप याद कर लो और रिडॉक्स वाला जो लेक्चर है वो देख लेना, और वो शायद यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है रिडॉक्स वाला लेक्चर मेरा, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से संडे वाले टेस्ट में मेटलर्जी आएगा, संडे का जो टेस्ट पेपर वो जो सिलेबस है उसी के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, ये रहेगा, ओके। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसके लिए बेसिकली अगर हम पहला टेस्ट करते हैं, पहला टेस्ट कौन सा है, पहला टेस्ट है हमारा डाइल्यूट HCl से, टेस्ट जो है ना डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन से हमारा टेस्ट होता है, पहला टेस्ट करते हैं, तो बेसिकली होगा क्या कि जो H2O3 2 नेगेटिव है वो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में एक तो सल्फर बनता है और SO2 गैस बनता है और H2O बन जाएगा, है ना, इस तरीके से जो है ना ये आपका मतलब डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये बनेगा ना Cl वगैरह, ये Cl कैसे आ जाएगा, Cl को देख लेना, अगर यहाँ सोडियम होगा जैसे यहाँ पे दो Na प्लस कर लो तो ये सोडियम था सल्फेट हो जाएगा तो यहाँ पे NaCl आ जाएगा ना, यहाँ पे NaCl आ जाएगा तो Cl वाला पार्ट भी बैलेंस हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, समझा तो मैंने दिया है, ये वाला पार्ट में हटा दे रहा हूँ, है ना, मुझे इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, अब समझो, है ना, ये जो होता है इसकी वाइट टर्बिडिटी आती है ना, वाइट टर्बिडिटी दिखाई देता है, ये टर्बिड बनता है, इसकी वाइट टर्बिडिटी आती है सल्फर लिक्विड की, है ना, और ये जो होता है ये कोगुलेट हो जाता है, कोगुलेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, ओके, ये रहता है, और ठीक है, इसके नीचे लिख देना ऑन वार्मिंग द सॉल्यूशन SO2 gas evolved, which can be identified by its order, है ना, जो कि क्या हो सकता है, इसकी जो कि इसकी क्या हो सकता है, जो कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है किससे, इसकी स्मेल से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, है ना, टर्मिडिटी मींस जैसे जो है ना दही जो होता है ना उस जैसा हो जाएगा टर्मिडिटी, है ना, उस जैसा हो जाएगा, ठीक है, टर्बिडिटी का मतलब है उस कैसा हो जाएगा, जो होगा वो जैसा आपका टर्बिड सॉल्यूशन जो होता है ना प्रेसिपिटेट डिसॉल्व कराते हैं ना उसमें पानी में, जैसे या फिर आप
थोड़ा सा दही में क्या करो, पानी मिला के उसको क्या कर लो, चला लो, तो उससे क्या हो जाता है, वो जो बन जाता है वो दैट बिकम द टर्बिड, है ना, वो टर्बिड हो जाएगा, वैसा टर्बिड का फील आता है ना, वो रहता है। और कोगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, है ना, कोलाइडल सोल्यूशन बनता है इसका, कोलाइडल बन जाता है ना, और उससे हम लोग इसको काम करते हैं, ठीक है, ये रहेगा। अब ये कैसे हो रहा है उसको समझ लो, है ना, देखना इसमें बेसिकली हो क्या रहा है। अभी तक जो आप रिएक्शन करते थे, समझना, यहाँ पे जब आप इसमें एच प्लस आयन मिलाते थे, इसमें एच प्लस आयन मिलाते थे तो इससे क्या मिलता था, एच टू एस मिलता था, ठीक है, और जब आप इसमें एच प्लस आयन मिलाते थे तो इससे क्या मिलता था, एसओ टू मिलता था, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितनी है, प्लस फोर, यहाँ पे भी कितनी है, प्लस फोर, ऑक्सीजन नंबर में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे भी माइनस टू है। तो ये जो दोनों रिएक्शन लिखी है कि सल्फाइट आयन के एसिडिफिकेशन से, सल्फाइट आयन के एसिडिफिकेशन से SO2 गैस और सल्फाइड आयन के एसिडिफिकेशन से H2S गैस, ये जो दोनों मिल रहे हैं आपको, ये दोनों जो मिल रहे हैं, है ना, ये दोनों किससे मिल रहे हैं, ये आपको एसिड बेस रिएक्शन से मिल रहे हैं, ये एसिड बेस रिएक्शन से मिलते हैं। स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, यहां पे ये कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका थायोसल्फेट आयन है, थायोसल्फेट आयन में सिचुएशन क्या है, इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऐसी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये प्लस सिक्स स्टेट में है और ये माइनस टू स्टेट में है, समझना। तो ये वाला जो सल्फर एटम है जो माइनस टू स्टेट में है, इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए, है ना, ये वाले सल्फर को दे दिए। इससे क्या हुआ, इस वाले सल्फर को जब दिया, दो इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये वाला सल्फर पहुंच गया किसमें, ये वाला जो सल्फर था, ये वाला सेंटर वाला जो सल्फर था, ये वाला प्लस सिक्स स्टेट वाला, ये पहुंचेगा यहां प्लस फोर में, और इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो ये कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा जीरो में, ऐसा हो रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थायोसल्फेट आयन का HCl के साथ जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, वो रिडॉक्स रिएक्शन, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सल्फर टू नेगेटिव, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये लोएस्ट है, देखो समझो मेरी बात, ये लोएस्ट है और ये हाइएस्ट है, तो ये क्या करेंगे, ये रिएक्शन को इनिशिएट कराते हैं कि यार ये रिएक्शन कैसी हो जाए, हाँ ये रिएक्शन कैसी हो जाए, ये रिएक्शन हो जाए कैसी, रिडॉक्स हो जाए, तो रिडॉक्स रिएक्शन से हो जाती है, ठीक है। और बातें सुनो इसके बारे में, अब जो SO2 गैस के नीचे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, SO2 गैस के नीचे, SO2 गैस के नीचे लिखा हुआ है, ऑन वार्मिंग द सॉल्यूशन SO2 इवॉल्व विच कैन आइडेंटिफाई इट्स ऑर्डर। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें कि SO2 गैस की पानी में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ठीक ठाक होती है, SO2 गैस का वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छा होता है, तो क्या होगा कि शुरुआत में जो SO2 गैस का क्या स्मेल होता है, बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है, तो बर्निंग सल्फर का जो स्मेल है वो आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हीट कर दोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, है ना, इस तरीके से है। सीएल का क्या हुआ, मैंने शुरुआत में बता दिया था सीएल का क्या हुआ, है ना, सीएल का क्या हुआ, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो एक्टा साइन लिख लो, मैंने ये बताया था यहाँ पे कि इसके साथ जो कैटायन होगा सोडियम वगैरह, वो सीएल माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके एनएसीएल बना लेगा, ठीक है, वो यहाँ पे NaCl के फॉर्म में आ जाएगा, आप चिंता मत करो, उसका भी होगा। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे केवल आप H+ आयन करके भी रिएक्शन कर सकते हो, केवल H+ आयन करके भी रिएक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो सर ये सेल्फ रिडॉक्स कंसीडर होगा, सेल्फ रिडॉक्स कंसीडर होगा, बिल्कुल सही है, इसको हम लोग सेल्फ रिडॉक्स कह सकते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाया, इसी के अंदर क्या हुआ, ये जो मेन रिएजेंट था थायोसल्फेट आयन, है ना, ये यही ऑक्सीडाइज हुआ, यही रिड्यूस हुआ है, सो दैट बिकम द सेल्फ रिडक्शन। लेकिन इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर अलग अलग ऑक्सीजन नंबर में है, अगर सल्फर एटम एक ही ऑक्सीडेशन नंबर में होता और एक ही ऑक्सीजन नंबर से ऊपर भी जाता और नीचे भी आता, है ना, दोनों कॉमन होती, दोनों का प्लस सिक्स होता या दोनों का माइनस, ऐसा कुछ होता, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता। ये जो है ना, ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ये रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो है ना, ये सेल्फ रिडॉक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना ऋतिक, ऐसा ही होगा, ये सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, डन।
चलो तो यहाँ तक कंप्लीट है, सबका नोट हो गया, फटाफट बताओ आगे नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं जल्दी से। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट हो गया ना, ठीक है सर। तो कंसंट्रेटेड एससीएल की 10% अप्रोक्स में सकते हैं क्योंकि सल्फर जीरो स्टेट में आया सर, तो कंसंट्रेशन एससीएल के कंसंट्रेशन का इशू नहीं है, है ना, कंसंट्रेशन का इशू नहीं है एमएसवी, है ना, तो जो है ना एमएस कंसंट्रेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपको याद नहीं रखना है, लेकिन बुक्स में दिए जाते हैं कितने मोलर कंसंट्रेशन यूज करना होगा, दैट डेटा विल प्रोवाइड बाय द एग्जामिनर, डेटा प्रोवाइड किया जाता है लेकिन अपने को उतना जरूरत नहीं है, इट इज अवेलेबल, मतलब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो है लेकिन अपने को जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, बस आप इतना कर लीजिए। ओके तो नोट हो गया होगा सबका। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए, सोडियम थायोसल्फेट का एक बहुत फेमस रिएक्शन होता है थायोसल्फेट आयन का, और वो होता है रिएक्शन विद KI सॉल्यूशन, है ना, रिएक्शन विद KI सॉल्यूशन, उससे कराते हैं आयोडीन का, है ना। इसकी एक इसका एक और टेस्ट है, बड़ा फेमस टेस्ट है, और वो है रिएक्शन विद I2 सॉल्यूशन, है ना, I2 सॉल्यूशन, या फिर हम लोग इसको कहते हैं KI3 सॉल्यूशन, इस तरीके से होगा। दोनों को समझाते हैं कैसे होगा। बेसिकली होता क्या है कि जब आप I2 सॉल्यूशन बनाओगे तो I2 को आप पानी में मिलाओगे, कोई समस्या नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको I2 का जो है ना सॉल्यूशन मिल जाता है, एक्वस मिल जाएगा, है ना, ऐसा आपको लगता है होना चाहिए, ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन होता क्या है, केमिस्ट्री ये कहती है कि जो हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली में F2 Cl2 Br2 I2 ऐसे नीचे जाने पर जो है ना, ऐसे नीचे जाने पर वाटर सॉलिबिलिटी जो है ना, ऐसे नीचे जाने पर वाटर सॉलिबिलिटी घटती है, वाटर सॉलिबिलिटी जो है ना वो कम हो जाती है। ये इसका एक आपको हम पी ब्लॉक में पढ़ाते हैं हेलोजन फैमिली में, फ्लोरीन जो है ना वाटर से अच्छा खासा वायलेंटली रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन और ओजोन गैस बना देता है। एक्चुअली पानी में डिजोल्व क्या होगा, फ्लोरीन तो पानी को ऑक्सीडाइज ही कर देता है, मतलब जो ओ एटम होता है ना पानी में -2 स्टेट में, उसको या तो ओजोन में कन्वर्ट कर देता है जीरो में, या फिर O2 में ले जाता है, ऐसे करता है। Cl2 पानी में डिजोल्व होता है, दैट बिकम द क्लोरीन वाटर, HOCl बनाता है, HCl बनाता है। तो पी ब्लॉक वगैरह में थोड़ा सा और डिटेल में चले जाएंगे, या इसका अभी मैं ये पढ़ाऊंगा Cl2 Br2 I2 आपको किसमें कंसंट्रेटेड में पढ़ाऊंगा, तो वहां जाके भी आप पढ़ोगे तो उधर भी आपको मिल जाएगा देखने को। ब्रोमीन की और कम होती है, आयोडीन की और कम हो जाती है, तो आयोडीन की वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन में हम लोग यहां लिख सकते हैं टू इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन वी विल ऐड पोटेशियम आयोडाइड, है ना। वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को मिला देते हैं, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को मिला देते हैं। आयोडीन का कलर सब लोग जानते होंगे, वायलेट कलर का होता है आयोडीन, है ना, आयोडीन जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, और उसका सॉल्यूशन भी वैसे ही नजर आएगा बैगनी जैसा, है ना, वैसे ही सॉल्यूशन वायलेट कलर का सॉल्यूशन नजर आता है, गॉट इट, है ना, ये वायलेट कलर का नजर आएगा। ओके तो इसमें क्या होगा, I2 प्लस KI जब मिला दोगे, है ना, तो ये क्या बनाता है, ये KI3 का सॉल्यूशन बन जाता है, KI3 एक्वस, मतलब ये सॉल्यूशन बन जाता है। ये जो सॉल्यूशन है इसका जो कलर है वो येलो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, येलो ब्राउन, है ना, येलो ब्राउन आपका फील जो है ना, जैसा ये होता है ना कोल्ड ड्रिंक का कलर होता है ना, ब्लैक वाला, पेप्सी है या कोको कोला वगैरह जो कलर है, ठीक है ना, उनके जो है ना थम्सअप का जो ब्लैक वाला होता है, ठीक है, ब्राउन वो वाला कलर जो है ना, उस तरीके का कलर दिखाई देता है, ठीक है। इससे वाटर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने से फायदा क्या होता है, टाइट्रेशन आसान हो जाता है,
तो हम लोग क्या करते हैं जो है ना, अब हम क्या करेंगे, जो आयोडीन था, इस आयोडीन का रिएक्शन जो है ना किससे कराते हैं, आयोडीन का रिएक्शन जो कराते हैं वो सोडियम थायोसल्फेट के से कराते हैं, Na2S2O3 सॉल्यूशन, है ना। इसके सॉल्यूशन को हम लोग कभी कभी हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये इसका नाम है हाइपो सॉल्यूशन। ओके, और इसमें एक इंडिकेटर यूज किया जाता है, दैट इंडिकेटर इज कॉल्ड स्टार्च, स्टार्च इंडिकेटर का यूज होता है। और यहां पे क्या होगा, 2NaI प्लस Na2S4O6 हो जाएगा, ऐसे बनेगा, Na2S4O6 बनता है। तो ये जीरो स्टेट में है ना, यहाँ पे ये प्लस टू स्टेट में है, और ये यहाँ पे कितना हो जाता है, प्लस का 2.5 हो जाता है ऐसे, और ये माइनस वन हो जाता है। ठीक है, जब आयोडीन ऑलमोस्ट, आयोडीन कैसा होता है, जब ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पर, है ना, एंड पॉइंट पर, जब प्रैक्टिकल आपका खत्म हो रहा होता है एंड पॉइंट पर, जब एंड पॉइंट पर आयोडीन कंसेंट्रेशन बहुत कम बचती है, लगभग 10^-4 मोलर, उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम स्टार्च पेपर के कांटेक्ट में इसको लाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, नीला रंग मिल जाता है। ये ब्लू कलर हमें बताता है कि अब हमें प्रैक्टिकल रोक देना चाहिए, है ना, इस तरीके से रहेगा ये, कुछ ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। ठीक है, इस पूरे प्रैक्टिकल का जो नाम है ना, ये जो होता है, ठीक है, टाइट्रेशन जो होता है, इस टाइट्रेशन का नाम है आयोडी, आयोडी मेट्रिक, इस टाइट्रेशन का नाम है आयोडी मेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। इस टाइट्रेशन का जो नाम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, दैट नेम इज कॉल्ड आयोडी, आयोडी मेट्रिक टाइट्रेशन, ये नाम होता है। दो तरीके के टाइट्रेशन होते हैं, एक होते हैं आईडो, एक होता है आईडी, डीआई, यहाँ पे डीआई लिखा होगा या डीओ लिखा होगा, डीआई अगर लिखा है तो आयोडीन का सोल्यूशन सीधे मिला बनाकर सीधा रिएक्ट कराते हैं, मतलब डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है आयोडीन का, किससे, सोडियम थायोसल्फेट से। अगर यहाँ पे आईओडीओ लिखा होगा, आइडोमेट्रिक, डीओ लिखा होगा, आइडोमेट्रिक में पहले इनडायरेक्ट, दैट कॉल्ड इनडायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन विद द सोडियम थायोसल्फेट। इनडायरेक्ट मतलब हम आयोडीन किसी रिएजेंट से पहले डेवलप करते हैं, है ना, उसके बाद हम सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, वो दो स्टेप में होता है ना, वो दो स्टेप में होता है, तो दैट कॉल्ड आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इस तरीके से रहता है ना। तो इसको नोट करो, और मैं कुछ बातें इसके बारे में आपको और बताता हूँ, इसको नोट करो, इसके बारे में कुछ बातें हम लोग और डिस्कस करेंगे, है ना, नोट करते जाओ, और कोई डाउट हो तो डाउट लिख दो, और है ना, चैट ऑन कर दी है, डाउट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको नोट करो। ये सब काफी अच्छा चीजें हैं, मतलब फंडामेंटली अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको काफी अच्छे से आ जाएगा समझ में, और अगर आपका मतलब यूं ही काम चलाऊ केमिस्ट्री है तब सॉल्ट एनालिसिस में दिक्कत पड़ेगा। सॉल्ट एनालिसिस जो है ना वो अबव एवरेज टॉपिक है ना, अबव एवरेज टॉपिक है, इसमें आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन है ये पूरा है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेप से है। आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन ये पूरा ही है, ये पूरा ही है ना, ठीक है देवाशीष, ये आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन पूरा ही होगा। हाँ मैं अभी बताता हूँ इसके आसपास, मैं बताता हूँ आईडी, आईडो और आईडी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको दे देंगे, है ना। हो जाएगा हाइपो सॉल्यूशन जो होता है इसको, Na2S2O3 सॉल्यूशन को ही हाइपो सॉल्यूशन है, Na2S2O3.2H2O इज कॉल्ड हाइपो, एंड Na2S2O3 इज कॉल्ड, Na2S2O3 इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। रोशन लिख लो अपनी कॉपी में, वाई सौरभ, वाई सॉल्बिलिटी ऑफ ये डिक्रीज, हैलोजन का सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर क्यों डिक्रीज हो जाता है ना, तो ये इनके वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से समझाया जा सकता है ना, ठीक है, वाटर से इंट्रैक्ट नहीं करेंगे,
क्योंकि आयोडीन खुद सॉलिड स्टेट में है इस तरीके से। आयोडीन एक्वस कैसे बन रहा है? ये तो आयोडीन को पानी में डिजोल्व करा रहे हैं ना, आयोडीन को पानी में डिजोल्व करा रहे हैं, है ना, और इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी जो होता है पानी में क्या होता है वो कम होता चला जाएगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम होता जाएगा टॉप टू बॉटम, वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाती है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा वो बढ़ जाएगा। जब पार्टिकल आपस में ज्यादा एसोसिएट हो जाएंगे, डिजोल्व होने के लिए क्या होना पड़ता है, डिजोल्व होने के लिए दो दो सब्सटेंस के बीच में इंट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होना जरूरी है, अदरवाइज डिजोल्व नहीं होगा। समझ में आया? भले ही जैसे आप समझो NaCl जो है ना एक आयनिक कंपाउंड है, और जो है और बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड वाटर में क्यों डिजोल्व हो जाता है? क्योंकि Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन का पानी के साथ इंट्रैक्शन बन जाता है। तो अगर वाटर के साथ इंट्रैक्शन बनेगा तो सॉल्युबल होगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, नीचे जाने पर वाटर के साथ इंट्रैक्शन कम होता जाएगा क्योंकि ये आपस में ज्यादा एसोसिएट हो जाएंगे, तो ये रहता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ये बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन बना लिया है ना, आयोडीन सॉल्यूशन जब आपने बना लिया है और ऊपर से सोडियम था सल्फेट आप मिला रहे हो, समझे, तो आप ऐसा मत करना कि शुरुआत में ही जब आप ब्यूरेट से आप सोडियम था सल्फेट मिला रहे हो तो शुरुआत में ही आप ऐसा नहीं करना कि स्टार्च रख देना, वरना शुरुआत में ही नीला रंग आ जाएगा, है ना। तो शुरुआत में ही क्या होगा, नीला रंग आ जाएगा, वो आपको ब्लू कलर आ जाएगा, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं करने देगा, ये येलो ब्राउन कलर होगा, ये ब्लू कलर होगा, ये समझ में नहीं आएगा। आप क्या करना, आप लगातार जो आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन बीकर में रखा हुआ है उसको क्या करना, ब्यूरेट से जो है ना, यहाँ पे ब्यूरेट से आप क्या करोगे, यहां से आप Na2S2O3 मिलाओगे लगातार। ये जो आयोडीन है, समझे, ये वाला आयोडीन जो है ना यहां आके कंज्यूम होता जाएगा इस रिएक्शन से, और ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ये जो आयोडीन यहाँ कंज्यूम होके यहाँ जाएगा, ये आयोडीन यहाँ कंज्यूम होके यहाँ, जो कि पहले यहाँ चला गया था, पहले Ki3 में चला गया था, वो पीछे आना चालू हो जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, तो ये येलो ब्राउन कलर जो है ना खत्म होने लगेगा। जब आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन दिखने लगे, वीकर के आर पार लगभग दिखाई देने लगे, है ना, वीकर में आर पार दिखने लगे, उस समय आप क्या कर सकते हो, स्टार्च पेपर रख सकते हो, है ना। जैसे ही आप स्टार्च पेपर यहाँ रखोगे नीला रंग आ जाएगा, क्योंकि स्टार्च पेपर क्या करता है, आयोडीन की बहुत कम कंसंट्रेशन पर भी कलर देता है, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा, दैट कॉल आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन, इसको हम लोग कहते हैं आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। थोड़ा सा अच्छा है, चीजें हैं, मतलब एडवांस लेवल पे है, लेकिन अगर आई और आपको पता है तो आप डिफरेंस कर पाओगे बाकी अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, है ना, उस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया, ओके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आइडोमेट्री का, कि आइडो क्या होता है, दो मिनट का टाइम लेकर आइडो समझा देता हूँ, ये नोट हो गया होगा सबका। जो आइडो होता है, आइडो है ना, जो आइडोमेट्रिक होता है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में जैसे ये फेमस रिएक्शन है CuSO4+4Ki, ऐसे करा के क्या करते हैं, Cu2I2 बनाते हैं, प्लस I2 बनाते हैं, प्लस टू K2SO4 बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये व्हाइट सॉलिड होता है, समझे, और ये आयोडीन बना, देखो ये बना है, है ना, ये बना है, ठीक है, फॉर्म्ड है, ये हमने बनाया है, समझे, ये पहले नहीं था। तो अब हमने आयोडीन बनाया, आयोडीन की पानी में सॉल्युबिलिटी होती है कम, तो थोड़ा Ki जो रखते हैं ना, Ki को क्या रखते हैं, एक्सेस में रखते हैं, ताकि Ki क्या हो जाए, बच जाए। तो समझे ना, बना हुआ I2 बचा हुआ Ki, ये बना हुआ I2 बचा हुआ Ki मिलके क्या बना लेंगे, Ki3 बना लेंगे, तो ये येलो ब्राउन कलर का होगा, ये व्हाइट सॉरी, जैसे खड़िया होती है ना, खड़िया चौक, तो चौक पीस के रख दो, चौक पीस के एक इसमें ले लो, वीकर में ले लो चौक पीस के, और उसके ऊपर में कोल्ड ड्रिंक मिला लो। अब जो तुमको कलर का फील आएगा ना, वो यही कलर का फील आएगा, मटमैला ब्राउन ऐसा दिखाई देगा, कीचड़ जैसा, ठीक है, मटमैला ब्राउन दिखाई देगा। अब क्या करो, जब ये आ जाए उसके बाद फिर से ये रिएक्शन कराना चालू करो,
आई टू का रिएक्शन इससे करा लो। ये जो स्टेप वन है समझना, स्टेप वन ये वाला और स्टेप टू ये वाला, स्टेप टू ये वाला, स्टेप वन ये जो आईडो होता है वो स्टेप वन प्लस स्टेप टू होता है, दोनों को मिला के आइडोमेट्रिक बनता है, दोनों को मिला के आइडो बनता है ना, दोनों को मिला के आइडो बनता है। और अगर ओनली स्टेप टू होगा, सुन लेना, अगर ओनली स्टेप टू होता कि आई टू सीधा बनाया और सीधा रिएक्ट कराया, आई टू का सोल्यूशन बनाया, आई टू कहीं से केमिकली नहीं बनाया, आई टू उठाया सोल्यूशन बनाया और क्या किया, सीधा रिएक्ट कराया, तो बन जाएगा आईडी जो इससे पहले करा रहा था। तो आईडो और आईटी, आईडी में डिफरेंस क्लियर है ना, जस्ट राइट, है ना, जस्ट राइट यस इफ इट इज क्लियर, है ना, जस्ट राइट यस इफ इट इज क्लियर, है ना, जस्ट राइट यस, है ना, वाई इट के आई इन एक्सेस। अगर हम एक्सेस में नहीं लेंगे ना तो के आई यहीं पे खत्म हो जाएगा, पहली रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, तो आई टू को डिजोल्व करने के काम में नहीं आएगा। सो वी हैव टू टेक आई, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे क्या करेगा, सब्लिमेशन करता है आयोडीन, है ना, आयोडीन जो होता है वो सब्लिमाइट भी करता है, तो सब्लिमेशन से बचाने के लिए आयोडीन को पानी में डिजोल्व करना जरूरी है। इसलिए क्या होगा कि वो के आई एक्स्ट्रा रखते हैं थोड़ा सा, कि बचा हुआ के आई, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है यहाँ पे, ये बचा हुआ है और ये बना हुआ है, तो बना हुआ आयोडीन बचा हुआ के आई मिलके क्या बनाता है, के आई थ्री सोल्यूशन बनाता है। ऐसे कर लो, पहली रिएक्शन में एक्सेस में था, यहाँ बच जाएगा, बचा हुआ यहाँ आएगा, ये बना था, ये बना हुआ यहाँ आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है, ओके, मोर देन एनफ आई हैव टोल्ड यू, ओके सर। स्टार्च यूज करते हो तो कैसे पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है? नहीं, शुरुआत में नहीं करना है ना, शुरुआत में नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे जो आयोडीन सॉल्यूशन होगा वो येलो ब्राउन होगा, वो लगातार डिसअपीयर होता जाएगा, डिसअपीयर होता जाएगा, और आपको ये जो जो व्हाइट कलर का जो पीपी था इसका, ये CO2I2 चौक जैसा ये दिखने लगेगा, जब ये आपको प्रॉपर दिखाई देने लगे उसी समय आपको क्या करना है, स्टार्च पेपर रखना है, तब आप देखना। शुरुआत में रख दोगे तो शुरुआत में नीला रंग आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, उससे तो आपका प्रैक्टिकल बेकार हो जाएगा, शुरुआत में नहीं करेंगे, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब एग्जामिनर पूछेगा आपसे, अगर एक अच्छा, अगर आप चाहते हो कि एक एग्जामिनर के साथ आप अच्छे से काम करना चाहते हो, आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और इवन इवन जो उसमें भी है, मतलब आईटी वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो, है ना। बाकी तो फिर तो आपके ऊपर है कि आप कितनी तैयारी करते हो, उसके हिसाब से, ठीक है। नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ रिएक्शंस आपको और पढ़ाता हूँ, इसको नोट कर लिया सबने, मैं हटाऊंगा, पूरा बोर्ड साफ करूंगा, नोट कर लिया, जल्दी बताओ फटाफट, नोटेड, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहां से हम लोग, हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जेई मेन ऑल्सो, है ना, है ना, लैटिट्यूड जो है ना, ये जेई मेन में, जेई मेन में भी जो है ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेन में 100 में 100 मार्क्स लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके 80 मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए, तो ये टॉपिक पढ़िएगा, ये टॉपिक पढ़िएगा। इवन अगर मैंने तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी लोगों को बताते देखा है, जो जिनके बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, कि वो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ के गए थे, है ना, वो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ के जाते हैं, क्योंकि इसका सपोर्ट दूसरे टॉपिक्स में मिलता है ना, क्योंकि इसका सपोर्ट आपको दूसरे टॉपिक में मिलेगा, अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको फायदा होगा। एक या दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो जेई मेन में आते हैं वो सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट नहीं आते हैं बट इनडायरेक्ट जो है ना आ जाते हैं, और जो लोग पढ़ के जाते हैं उनको वो एक या दो क्वेश्चन में फायदा होता है, है ना। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग 25 में हमें केवल 20 करने हैं या 17-18 क्वेश्चन करने हैं, तो वो लोग छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को, लेकिन जो 20 के ऊपर जाना चाहते हैं क्वेश्चन में, 25 में, तो फिर उनको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, रिएक्शन विद BaCl2, है ना। BaCl2 के साथ मैंने अभी लिखवाया भी था आपको कि बेरियम 2 पॉजिटिव आयन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कराएगा, ये रिएक्ट करके BaSO2O3 का व्हाइट पीपीटी बनाएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल लिखा था मैंने, है ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा सा कम सॉल्युबल, है ना। और ये इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है, बड़ा कैटायन
और बड़ा एनायन आपको पढ़ाया गया होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ऐसा होगा। लेकिन हमने देखा, हमने पाया कि अगर हम CaCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और H2O3 नेगेटिव, ये सॉल्युबल कंपाउंड ही बनाता है। मतलब अगर हम ये करेंगे ना CaS2O3, तो ये पीपीटी नहीं है, ये सॉल्युबल है ना, ये सॉल्युबल हो जाता है। बड़ा कटायन और बड़ा, यहाँ पे कटायन और एनायन के है ना, कटायन और एनायन के जो ये होते हैं, मतलब डिफरेंस साइज का, यहाँ पे छोटा कटायन है थोड़ा सा और बड़ा एनायन है, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी से एक्सप्लेन हो जाएगा। उस वाले फजान रूल मत लगाना, फजान रूल से नहीं चलेगा ये, है ना, उससे लग के क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, डन। चलो थोड़ा सा इसको नोट करो, दो मिनट है ना, मैं अपने आप आपको डिस्कशन ले लूंगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी 11th पे नहीं पढ़ाया गया, यही तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा रहेगा कि जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, है ना, है ना। ठीक है, आप तो पढ़ो, और मैं इसीलिए मैंने आपको वेबसाइट के कोर्स सब कुछ दे दिया, सारा कुछ कर दिया है कि किसी को लगता है देखना है तो वहां जाके देखे। टाइम देना पड़ेगा यार, देखो है ना, टाइम तो आपको देना पड़ेगा, टाइम दोगे तो अच्छा होगा, ये पक्की बात है ना। कभी भी आप अपनी लाइफ में जब भी टाइम दोगे, आपको टाइम चीजें सही हो जाएंगी, है ना। ठीक है, नाउ आगे काम करते हैं इसमें, इसको हटा रहा हूं मैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, और वो रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, इट्स वन ऑफ द फेमस रिएक्शन ऑफ सोडियम था सल्फेट के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है, उसमें कहते हैं कि एट फर्स्ट नो पीपीटी इज ऑब्टेंड बट एज सून एज मोर सिल्वर नाइट्रेट is added white precipitate of Ag2S2O3 is formed। ठीक है, but this precipitate, this PPT is unstable and decomposes on standing, ना रखा हुआ छोड़ देने पर decomposes on standing into a black PPT of Ag2S। Ag2S के black PPT से जो है ना वो बना लेता है, ऐसे करके बना लेगा, है ना, इस तरीके से रहने वाला है। Now आगे बढ़ते हैं इसमें, कैसे कैसे ये चलेगा उस पर काम करते हैं, है ना। तो होगा क्या कि शुरुआत में जब आप शुरुआत करोगे, और जैसे आपके पास सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन है यहाँ पे, और उसमें आप क्या करो, ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हो ड्रॉप वाइज, तो जो सिल्वर आएगा, सिल्वर यहाँ पे क्या रहने वाला है, लिमिटिंग रहने वाला है, क्योंकि आप मिला रहे हो इसको। तो जब शुरुआत में सिल्वर लिमिटिंग रहता है, तब कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। कैसे समझ सकते हो उसको, ये इस तरीके से रहेगा Ag प्लस आयन, तो ये क्या बनेगा, Ag2S2O3 होल ट्वाइस 3-, ये बनेगा, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 मोल दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से ये 2 मोल है, ये देखो 1 मोल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और ये कैसा होगा, एक्सेस में होगा। जब तक थायोसल्फेट आयन एक्सेस में है, तब तक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सेम रिएक्शन मैंने यहां भी सिखाई थी, इसमें भी सिखाई हुई है, इसमें भी सिखाई थी। जब ये एक्सेस में था, तब भी हमने क्या बनाया था, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया था, और बाद में हमने Ag2SO3 का प्रेसिपिटेट बनाया था। ये वाली रिएक्शन मैंने सल्फाइट में भी सिखाई हुई है,
सल्फाइट में और थायोसल्फाइट में दोनों में सेम रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप इफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज फर्दर एडेड, अगर आपने फिर से ऐड किया, ठीक है, ये अगर दोबारा ऐड करोगे तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, AgS2O3 होल ट्वाइस 3 नेगेटिव, ये क्या करेगा, 3 अब की बार देखो यहाँ पे 3 मोल लिखा हुआ है, अब तो भाई ये एक्सेस में है, ये लिमिटिंग हो जाएगा। तो जब आप ज्यादा रिएजेंट मिला दोगे तो ये कितना हो गया, 3 ये और एक ये 4 हो गए, तो ये हो जाएगा 2Ag2S2O3, ये बन जाएगा, है ना। और ये इसका क्या होगा, ये इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, समझ में आया। ये जो सब्सटेंस है कौन सा, Ag2S2O3, तो Ag2S2O3 जो रहता है, ठीक है, ये Ag2S2O3 जो रहता है वो कुछ देर के बाद अपने आप धीमे धीमे डिकम्पोज करने लगता है, किसमें, Ag2S के ब्लैक PPT में जो है ना वो डिकम्पोज करने लगता है इस तरीके से। ये +6 में है, ये -2 में है सल्फर, कैसा रहेगा, ये सल्फेट आयन है, नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से नोट कर लो। नोट करो इसको, इसके लॉजिक्स वगैरह के, तो ये मैंने, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, यही सिमिलर यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, सल्फाइट रेडिकल जो आपने पढ़ा था ना SO3 2 नेगेटिव, वहां पर भी मैंने ये सिमिलर रिएक्शन पढ़ाई हुई है, SO3 2 नेगेटिव में सल्फाइट में भी पढ़ाई हुई है ना। हाँ, इसमें याद ज्यादा करना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम जो है ना आप सभी लोग ये समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम मेमोरी के बेसिस पर पास किया जाता है, और एग्जाम देने का जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी समझ से आता है। तो जो आप लॉजिक यहाँ समझ रहे हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको एग्जाम जो देना है, ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको मेमोरी से ही, क्योंकि अल्टीमेटली मेमोरी क्या लाती है, स्पीड लाती है, और स्पीड से अटेम्प्ट परसेंट बढ़ता है, और अटेम्प्ट परसेंट अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो जो लोग वास्तव में सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए, वो इस बात को क्लियर समझ लें, है ना, इस बात को क्लियर समझ लें कि आपकी स्पीड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मेमोरी, या मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, है ना। आप फटाफट तब कर पाओगे जब आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, है ना, उस तरीके से। चलो मैं बताता हूँ, PbS2O3 का भी वाइट प्रेसिडेंट बनता है। हाँ बिल्कुल, अभी मैं डिस्कस करूंगा PbS2O3 के बारे में भी, विल डिस्कस ऑन दिस ऑल्सो, यस यस, ठीक है, ये रहेगा, ये रहने वाला है। सर ज्यादातर PPT व्हाइट होते हैं से हैं, हाँ ज्यादातर व्हाइट है, लेकिन कुछ कलर्ड भी हैं, और कलर्ड वाले भी जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम कैटायन आपको पढ़ाएंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ पे पढ़ाएंगे, जब कैटायन का आइडेंटिफिकेशन पढ़ाएंगे, अभी एनायन चल रहे हैं, कैटायन का पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कलर्ड भी आएंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स सॉल्वेबल है, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्वेबल होते हैं, तो ये सॉल्वेबल है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स सॉल्वेबल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है। नाउ ओके, सो तो आप ये ध्यान रखिए, है ना, आप कोई भी एग्जाम की लाइफ में कभी भी तैयारी कीजिएगा, मेरी ये बातें ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी से पास किया जाएगा, है ना, और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस वो कंसेप्ट की समझ से आता है। अगर आप सिर्फ आप सोचो कि इसको रट के जाओ कि ऐसे Ag+ ये करके बनता है, रट्टा मारोगे, तो वो नॉलेज जब आप एग्जामिनेशन में जब आप पहला पैर रखते हो ना रूम के अंदर, तो जो सबसे पहले इवापोरेट होता है वो आपकी रटी रटाई नॉलेज इवापोरेट होती है, है ना। सबसे पहले जो सब्लिमेशन जिस चीज का होता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो आपकी रटी रटाई नॉलेज का होता है। ये नॉलेज आपके माइंड में मेंटेन रहे उसके लिए समझाया जा रहा है ना, वरना लिखा तो कॉपियों में, लिखा तो सभी जगह है ना, लिखा तो सभी किताबों में है,
मैं कोई नया थोड़ी ना बता रहा हूँ, सब किताबों में लिखा हुआ है, रट सकता है कोई भी, है ना। इसलिए ऐसा किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना। बहुत कंसेप्ट जो आप काम कर रहे हो ना, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, है ना। वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें आगे। इसके लिए ये कैसे बन रहा है इसको मैं आपको समझाता हूँ, समझो। अभी आपने डिस्कस किया था कि जो ये था थायोसल्फेट आयन था, अभी हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। यहाँ बड़ा अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा आपके लिए। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं H2O32 नेगेटिव का। ये जो सल्फर एटम है ना बच्चों, इस पे कितना चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है। सल्फर पे जब -2 चार्ज आएगा तो सल्फर एटम का अचानक साइज जो होगा बहुत बढ़ जाता है, समझे, साइज बढ़ जाता है सल्फर का। अब इसमें कोई भी ऐसा मेटल, कोई भी ऐसा मेटल, मेटल आयन, ये मेटल आयन है, कोई भी मेटल आयन, जस्ट लाइक सिल्वर, जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू सिल्वर, Ag+ आयन, जब ये इसके कांटेक्ट में आता है तो इसको पोलराइज करना चालू करता है और ये कहता है कि अगर ये सल्फर मुझे मिल जाए, ये सल्फर मुझे मिल जाए तो मैं क्या बनाऊंगा, तो मैं Ag2S बनाऊंगा। क्योंकि सिल्वर प्लस आयन का सबने पढ़ा होगा स्यूडो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन होता है। यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ फजान रूल की। अगर आपको छोटा सा कैटायन मिल जाए तो ये क्या करेगा, ये बड़े एनायन को क्या कर लेगा, पोलराइज कर लेगा, ऐसे ऐसे पोलराइज कर लेगा ऐसे, है ना। और क्या डेवलप करेगा, क्या डेवलप करेगा, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर डेवलप करेगा। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं कि जितनी भी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है, जितनी भी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन है किसकी, थायोसल्फेट में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही रिस्पॉन्सिबल है ना, ये वाला एटम जिसका साइज बड़ा है, इसी को मेटल एटम क्या करता है, उठाता है। ये जो आपको Ag2S का बनना समझ में आ गया अब कि कैसे Ag2S बना होगा, है ना। और सिल्वर आयन का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, सल्फर का पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ब्लैक कलर भी आ जाता है ना, इसलिए ब्लैक कलर भी आ जाता है। अच्छा, ज्यादा पोलराइजेशन होता है तो जो कलर होता है कैसा होता है, डार्क होता है। ये आपको सिखाया गया होगा, जैसे आपको कहीं ना कहीं फजान रूल में ये बताया जाता है कि AgCl जो होता है वो वाइट PPT होता है, AgBr जो होता है वो लाइट येलो PPT होता है, लाइट येलो PPT होता है। जो AgI होता है वो क्या होता है, वो डार्क येलो PPT होता है, समझे। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डार्क क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा है, यहाँ पे I- आयन का साइज ज्यादा है। सिल्वर आयन क्या करेगा, ज्यादा I- आयन को पोलराइज करेगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही डार्क कलर आता है, उतना ही डार्क कलर आएगा। तो यहाँ पे इतना डार्क होता चला गया कि अल्टीमेटली ब्लैक ही हो गया, है ना। तो इतने ये सब लॉजिकल थिंकिंग जो है ना आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से मेरे क्लास में आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी थायोसल्फेट आयन, जब भी ये सोडियम थायोसल्फेट, जब भी कोई प्रेसिपिटेट बनाएगा, है ना, जब भी कोई इस तरीके का प्रेसिपिटेट बनाएगा, फाइनली यही बनेगा, फाइनली यही बनेगा। पहले ये बनेगा, पहले थायोसल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा और बाद में सल्फाइड का बनता है, है ना, बाद में सल्फाइड का बनता है। तो बाद में सल्फाइड का बनने की वजह से क्या हो जाएगा, है ना, बाद में सल्फाइड का बनने की वजह से क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट इसका बन के आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। डन, चलिए तो यहाँ तक आ गए, है ना, ये कंप्लीट कर लिया। अब इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ना वो हम लोग और कंप्लीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। हटाऊं इसको, नोट हो गया होगा ना सबका, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन जो है ना वो कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट रिएक्शन आप कर लो लेड एसीटेट के साथ, लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कर लो। सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो गया तो आप इसके साथ करा सकते हैं। लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो Pb2+ आयन और ये बनेगा PbS2O3 का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि एक्सेस में क्या होगा, एक्सेस ऑफ S2O32 नेगेटिव में सॉल्युबल हो जाएगा।
ये इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, जैसा कि अभी सिल्वर वाला हुआ था, जब सिल्वर वाले में, इस वाले में भी मैंने बताया था, सिल्वर वाले में जब तक ये था सल्फेट एक्सेस में था तब तक सॉल्युबल था, जैसे ही सिल्वर आयन एक्सेस में हो गया तो प्रेसिपिटेट बना लिया, वैसे ही यहाँ पर है। इसको अगर आप थोड़ा सा क्या कर दोगे, हीट वगैरह कर दोगे, तो यू विल गेट पीबीएस का ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। ये समझ में, ये लॉजिक यही वाला है, लॉजिक यही वाला है, सल्फाइड से आ जाएगा यहाँ पे, ये वही लॉजिक है, सेम लॉजिक है। दूसरा रिएक्शन आप लिख सकते हो इसमें, और वो है मर्क्यूरिक नाइट्रेट का के साथ रिएक्शन। तो Hg2+ जो होगा वो S2O3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और HgS2O3 बनाएगा। जब आप इसे एक्सिस में ले जाओगे, है ना, तो एक्सिस में क्या होगा, ये भी सॉल्युबल होता है, और इसको थोड़ा हीट वगैरह अगर आपने कर दिया तो यू विल गेट HgS का ब्लैक पीपीटी का रीजन, ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाएगा सेम तरीके से, पोलराइज करके ऐसे जाएगा, सेम तरीका है एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट है हमारा बिस्मथ क्लोराइड BiCl3 के साथ रिएक्शन। तो बिस्मथ 3+ आयन क्या करता है, बिस्मथ 3+ आयन S2O3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है Bi2S2O3 का होल थ्राइस, ये भी वाइट पीपीटी होता है, है ना। ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक्सिस में अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा, BiS2O3 होल थ्राइस सॉल्युबल होगा, ठीक है। और इसको भी जब आप हीट कर दोगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Bi2S3 का ब्लैक पीपीटी। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ब्लैक ही ब्लैक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये ब्लैक पीपीटी आपको मिल जाते हैं, नोट कर लीजिए, है ना, ये ब्लैक पीपीटी जो है ना वो नोट कर लो। तो इस तरीके से ये आप कंप्लीट कर पाओगे आसानी से, है ना। नोट कर लो, ठीक है। नहीं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग मेटल आयन से कर रहे हैं ना, इससे तो मतलब नहीं है, जो एनायन है उससे मतलब नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे पीबी, यहाँ पे सिल्वर आयन था, Ag+ आयन से मतलब था, नाइट्रेट से मतलब नहीं था, है ना। एनायन तो हमारा यही है, टेस्ट तो हम इसका कर रहे हैं ना, तो कैटायन हमें अलग से लेना है बस, टेस्ट तो एनायन का होता जा रहा है ना, कैटायन आप अलग से लाओगे, तो जो लेड एसिटेट है, लेड एसिटेट के एनायन कैटायन से मतलब है, मर्क्यूरिक नाइट्रेट के कैटायन से मतलब है, बिस्मथ क्लोराइड के कैटायन से मतलब है, ठीक है, इसलिए मैंने उसकी जगह नहीं लिया, है ना, ठीक है। ओके, नोट हो गया, बताओ। नोट हो गया क्या? सर बिस्मत रेडियोएक्टिव होगा, बिस्मत तो रेडियोएक्टिव नहीं होता है, किसने कहा बिस्मत रेडियोएक्टिव होगा, बिस्मत रेडियोएक्टिव नहीं होगा। सर एक्सेस में कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, एक्सेस में कॉम्प्लेक्स इसलिए बनता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटिंग रिएजेंट होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन हमेशा थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है ना, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेस में कॉम्प्लेक्स बनता है और कॉम्प्लेक्स ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ऋतिक, है ना, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, ओके, इसलिए ऐसा होता है। चलिए, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है,
अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। दो एक से दो रिएक्शन आपका और बचा है इसमें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके चलो देखो इसको, कॉम्प्लेक्स पोलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो है ना, कॉम्प्लेक्स जो है ना वो कुछ कॉम्प्लेक्स पोलर होते हैं जो आयनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, वरना नॉन पोलर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, है ना। नॉन पोलर किसने पूछा है, ये रुक शर्मा है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके के कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जैसे CO NH3 होल थ्राइस Cl3। तो ये नॉन, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है ना, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स हमेशा पोलर तो नहीं होंगे हमें, है ना, इस तरीके से रहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा, और इसके लिए एक हमारा कॉपर का रिएक्शन भी है, उसको कर लेते हैं। वो हो सकता है कोई पूछ ले ना, कॉपर सल्फेट का एक रिएक्शन होता है इसमें, प्रेसिपिटेशन के में लिखी है CuSO4 के साथ। तो यहाँ पे कॉपर 2+ आयन S2O3 2 नेगेटिव में जाता है। तो समटाइम स्टूडेंट मे बी फॉर्म लाइक इस तरीके से बना सकते हो, इसका 2+ इसका 2- ये बना सकते हो, बट ये बनता नहीं है, ये बनता नहीं है, ध्यान रखना, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना, ये बनता नहीं है। फिर क्या होता है, होता ये है कि कॉपर 2+ आयन S2O3 2 नेगेटिव से पहले रिड्यूस होता है, ये कॉपर +1 में जाता है और ये S4O6 2 नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो कॉपर +1 है वो जो है ना वो रिएक्ट करता है इसके साथ S2O3 2 नेगेटिव के साथ, और क्या बनाता है, Cu2 S2O3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सिस में, एक्सिस S2O3 2 नेगेटिव में सॉल्युबल होता है Cu6 S2O3 5 4-। इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, इसमें ये सॉल्युबल हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना, ये अगर हम यहाँ पे हीट करेंगे इसको, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेता है CuS का जो है ना ब्लैक PPT बना लेगा, Cu2S का ब्लैक PPT बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा है, बेसिकली ये 3D10 है, ये 3D9 था, इसका जो है ना स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या करता है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, उसके प्रेसिपिटेट बनाने के चांस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, है ना, इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है, नोट करो एक मिनट। इवन मैंने आपको ये भी सिखाया था इसमें कि हमारा जो AgCl था ये भी कैसा था, ये भी PPT था, वाइट प्रेसिपिटेट था, लेकिन जब हमने अमोनिया मिलाया था तो ये क्या हो गया था, ये हो जाएगा, ये भी सॉल्युबल हो गया था, ओके। तो केमिस्ट्री क्या करती है, केमिस्ट्री या साइंस क्या करती है, कॉम्पिटिशन करती है कि ये रिएक्शन करने में फायदा है या सॉल्युबल होने में ही फायदा, या इनसॉल्युबल बने रहने में फायदा है। तो अगर वो देखते हैं कि ये होने में ज्यादा फायदा हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बनने की टेंडेंसी में ज्यादा फायदा हो रहा है, तो फिर कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिएजेंट एक्सेस में चाहिए होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक्सेस रिएजेंट दिखाई देता है। आदित्य ने पूछा है कि पहला रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, तो पहला रिएक्शन इसलिए पॉसिबल मैं नहीं कर रहा हूं, उसका क्या रीजन है कि यहाँ पर आप कॉपर को किस में पाएंगे, यहाँ पे कॉपर जो है ना वो +2 स्टेट में है और कॉपर 3D9 बनेगा, 3D9 होने पे कॉपर पैरामैग्नेटिक होगा और पैरामैग्नेटिक होने की वजह से कलर्ड होने के चांसेस होंगे। और जब हमें कलर्ड PPT नहीं मिला तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन के बारे में सोचना चालू किया, है ना, कि है ना उसके बारे में हमने जो है ना बताना स्टार्ट किया कि भाई क्या रीजन होगा। तब पता चला कि एक्चुअली सोडियम थायोसल्फेट जो है ना
वो क्या कर रहा है, वो इसको रिड्यूस करके इसमें ले जा रहा है, और इसका फायदा भी हुआ। इसका फायदा क्या हुआ, ये 3D10 में चला गया। 3D10 में क्या होता है, इसकी पोलराइजिंग पावर जो होती है पीपी, पोलराइजिंग पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी और प्रेसिपिटेट बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये रीजन है इसका, नोट करो। ठीक है, तो पता नहीं कहां से आ गया कार्नेलाइट वगैरह भी कहता नहीं लेके आते हो। जो मरकरी वाला था ना, ये वाला मरकरी वाला भी था, ये भी व्हाइट था, HgS2O3 था, ये भी व्हाइट पीपीटी था। तो समझना, थायोसल्फेट के तो सारे व्हाइट हो रहे हैं, लेकिन जब वो सल्फाइट में जाएगा ना, HgS वगैरह में, तो क्या होगा, तो ब्लैक बनाएगा, है ना। HgS वगैरह का कैसा बनेगा, ब्लैक बनाएगा। सोडियम एक्सटेट के बीच में डिफरेंस बता दो सर, बता देंगे सर, है ना। सोडियम एक्सट्रैक्ट जब आएगा तो बता दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। लास्ट में बता, क्वालिटेटिव एनालिसिस जिस दिन खत्म करूंगा एनायन वाला, उस दिन बता दूंगा। अभी कोई फायदा होगा नहीं उसको बताने का, है ना, टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। H2O3 की डेंटिसिटी, आई थिंक इट शुड बी अ मोनोडेंटेट लिगेंड, बिकॉज H2O3 2 नेगेटिव जो होगा बहुत रेयरली बाइडेंटेट बन सकता है, क्योंकि रिंग जो बनेगा ना, रिंग का जो फॉर्मेशन है वो समस्या कर सकता है आपको। तो बाइडेंटेट लिगेंड बनने में सम टाइम इट मे बी अ बाइडेंटेट लिगेंड, बिकॉज जो है ना 4 मेंबर रिंग है, सल्फेट आयन की तरह है, तो बाइडेंटेट लिगेंड भी बन सकता है ना। अदरवाइज ये क्या होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह रहेगा। ओके, क्योंकि इसका जो रिंग बनेगा, रिंग वो बनेगा, वो 4 मेंबर रिंग बनेगा, वो तुम्हारे लिए अनस्टेबिलिटी लाएगा, है ना, इस तरीके से रहने वाला है। हाँ, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है यहाँ पे FeCl3 के साथ, तो पहले ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन ये फर्दर रिएक्ट करके फिर से इसमें चला जाता है, तो जो Fe3+ होता है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने पहले और दूसरे रिएक्शन को ऐड किया है, ऐड करने के बाद ये बनाया, तो अपने को पता चला कि यार थायोसल्फेट ने क्या किया, Fe3+ सॉल्यूशन को बेसिकली किस में कन्वर्ट कर दिया है, Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब FeCl3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ये सिचुएशन निकल के आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ना, ये आज का लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट हुआ। और है ना, यहाँ अब नेक्स्ट क्लास से मान लीजिए एक या दो क्लास के बाद जो है ना, नेम ऑफ FeCl3 इज फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड कहलाता है, नाम जो FeCl3 सॉल्यूशन का है वो फेरिक क्लोराइड है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है ना अब ये कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा होमवर्क वगैरह जो है ना वो कर सकते हो। वैसे होमवर्क अगर आप करना चाहते हो तो एक्सरसाइज 1 में जो है ना उसमें भी सेक्शन सी तक कर सकते हो, और एक्सरसाइज 2 में भी सेक्शन सी तक कर सकते हो, है ना। हाँ, आज यूट्यूब पे पड़ जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। नहीं, मैं कर चुका हूं, मतलब उसमें मैंने दे दिए हैं 300 मेरे जो कैपेसिटी थी मैंने दे दिए हैं आपको। H2O3 2 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है तो वो इस तरीके का है, और S4O6 2 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, S4O6 2 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है, है ना। यहाँ पे 0 0 ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये +5 ऑक्सीजन नंबर में, सो बोथ आर डिफरेंट यार, है ना, बोथ आर डिफरेंट। डोंट डू लाइक मैथमेटिक्स मत लगाओ, है ना आदित्य अमन, ऐसे मत करो कि S4O6 2 नेगेटिव में 2 कॉमन ले लिया और कह दिया कि सर ये तो सेम होगा, ऐसा मत करो, ये नहीं होगा, ये सेम नहीं है। बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, बोथ आर डिफरेंट, है ना, रिएजेंट, नाम भी अलग अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा डाउट आपका, है ना, ये डाउट क्लियर है। ठीक है।